Assalamualaikum, this is Aisha Shahbaz and welcome to my channel Aisha Shabbi Lifestyle। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है जिन्हें प्रॉब्लम रहती है गैस की, तेजाबियत की, एसिडिटी की या फिर खट्टी डिकाड़े, ऐसा कोई मसला है यानी कि मैदे के बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन मिलेगा आज आपको इस वीडियो में। तो आपने कहीं नहीं जाना, आज की वीडियो कंप्लीट देखनी है इन तमाम मसाइल का हल जानने के लिए। और ये हल ऐसा है जो कि बहुत आजमूदा है, तो ये आपके इन तमाम मसाइल को ख़त्म करेगा और फौरी ट्रीट करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ हमें चाहिए ये चार इंग्रेडिएंट्स, जिसमें है सब्ज़ छोटी इलायची और ये है जी सौंफ, और साथ ही साथ हमें चाहिए होगा खुश्क पुदीना। ये आपको आसानी से पंसार की दुकान से मिल जाएगा। और ये है जी सफ़ेद ज़ीरा। तो ये चारों चीज़ें हमें चाहिए होंगी इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए। तो खुश्क पुदीना आपको आसानी से किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाएगा। तो इन चारों इंग्रेडिएंट्स की मिकदार आपने एक जितनी ही रखनी है, यानी कि अगर आप खुश्क पुदीना 2 टेबलस्पून ले रहे हैं तो बाकी सब चीज़ें भी 2 टेबलस्पून ही होंगी। एक जितनी मिकदार चारों की आपने ले लेनी है। चारों चीज़ों को आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगा इस तरीके से। और उसके बाद आपने इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर अच्छे से ढकना बंद कर देना है और आप इसे इजीली 2 माह तक भी रख सकते हैं सेव करके। और हर खाने से आधा घंटा पहले आपने इसका 1 चम्मच खा लेना है। तो ये आपके बहुत से मैदे के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करेगा, हल करेगा, इलाज करेगा। मींस अगर आप तेजाबियत महसूस करते हैं या फिर भूख नहीं लगती, बदहजमी है, गैस का प्रॉब्लम जो कि एक बिग इशू है, उल्टी या फिर मतली की कैफियत का होना, और या फिर आपको कब्ज़ की शिकायत है जो कि तमाम बीमारियों की जड़ है, तो इस तरह की कोई भी कैफियत जो है उसके लिए ये सॉल्यूशन काफ़ी होगा। तो ये बहुत बेहतरीन, आसान और फौरी ट्रीटमेंट है हमारे बहुत सारे मसाइल का। होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो मैं मिलूंगी आपको एक और नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा रखिएगा ख्याल, बट जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल आशीष अभी लाइफ स्टाइल को। स्टे विद मी, स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड ब्यूटीफुल। अल्लाह हाफिज़।